नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक सवाल से। सवाल ये कि अडानी ग्रुप का आगे क्या होगा। आज पूरी दुनिया की नजरें अडानी ग्रुप पर हैं, चाहे निवेशक हो, लोन देने वाले बैंक हो, आम लोग, सभी अडानी ग्रुप के वर्तमान को देखकर भविष्य पर मंडरा रहे खतरे का आकलन करने में जुटे हुए हैं। वैसे अडानी ग्रुप पर मौजूदा संकट के पीछे है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, लेकिन अब तरह तरह की बातें और अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। मौजूदा क्राइसिस को लेकर दो तरह की थ्योरीज पेश की जा रही। पहली ये कि अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए बड़ी साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। दूसरी थ्योरी ये है कि अडानी ग्रुप अपने साम्राज्य को लेकर जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया। अब अडानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट का झगड़ा सेंसेक्स से देश की संसद तक पहुंच चुका है। आखिर पूरी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में जारी गिरावट से मार्केट में हाहाकार मचा रहा, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में अडानी ग्रुप को लेकर संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। विपक्ष की मांग है कि अडानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए जेपीसी का गठन होना चाहिए, मतलब एक अमेरिकी रिपोर्ट से हिले अडानी साम्राज्य पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सबसे पहले आज संसद के अंदर का हाल आपको दिखाते हैं, कैसे विपक्ष ने अडानी ग्रुप पर अमेरिकी रिपोर्ट को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में अडानी गूंजा, नतीजा संसद ठप हो गई। नो प्लीज जाइए अपनी सीट पर, नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना, प्लीज जाइए अपने सदन पे जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जब माननीय सदस्यों के प्रश्न पर सरकार से जवाब पूछते हैं, उस प्रश्नों से समस्या हल समाधान होती है। प्लीज जाइए अपने मिशन पर। हम आगे बढ़े उससे पहले अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष की मांग और अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष के सवालों के बारे में आपको बता देते हैं। मांग नंबर एक, अडानी मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। मांग नंबर दो, अडानी मामले पर जेपीसी का गठन हो। विपक्ष का अडानी ग्रुप को लेकर आरोप यही है कि सब कुछ गोलमाल है। आरोप नंबर एक, अडानी ग्रुप पर बीजेपी की विशेष कृपा है। आरोप नंबर दो, अडानी ग्रुप में पब्लिक का पैसा डूब रहा है। आरोप नंबर तीन, अडानी ग्रुप में LIC और SBI का पैसा डूबा है। आरोप नंबर चार, जनता का पैसा मोदी ने अपने मित्र पर लुटवाया। अडानी ग्रुप को लेकर संसद में पूरा विपक्ष एक सुर में एक ही बात दोहरा रहा है। जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग, करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं, तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पहले ही गौतम अडानी को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान से 16वें पायदान पर धकेल दिया है। IFO के जरिए जुटाई गई रकम को भी अडानी ग्रुप ने वापस करने का फैसला किया है। अब अडानी ग्रुप को लेकर सभी के मन में दो सवाल है। सवाल नंबर एक, हर दिन कमजोर हो रहे अडानी ग्रुप का आगे क्या होगा। सवाल नंबर दो, क्या अडानी ग्रुप अपनी ग्रोथ रेट पर कभी वापस लौट पाएगा। आज तक ब्यूरो। शून्य से शिखर तक गौतम अडानी की यात्रा हैरत अंगेज है, तो अब अडानी ग्रुप से शिखर के नीचे लुढ़कने की यात्रा ने सबको चौंका दिया। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर हर दिन नीचे गिर रहे हैं। विदेशी के नाम पे जो फाइनेंस एजेंसियां हैं अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेकर वार्निंग जारी कर रही हैं। सवाल यही है कि क्या बाजार में मिल रहे झटके से गौतम अडानी अपनी कंपनी की गिरती साख को बचा पाएंगे, या फिर हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी के आर्थिक साम्राज्य की चूलें हिला दी। एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को करीब 8 लाख करोड़ का घाटा पहुंचा दिया। अडानी ग्रुप में निवेश करने वालों को
भारी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस का इल्जाम है कि गौतम अदानी ने देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड किया है। सरल शब्दों में समझे तो कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हथियार बनाकर अदानी और मोदी सरकार पर जबरदस्त वार किया है। बैंक है SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज बैंक हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई US की कंपनी, एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने BBC के कार्टून को शेयर करते हुए लिखा है कि जो 75 सालों में नहीं हुआ मोदी सरकार ने वही कर दिखाया। वैसे अदानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस का BJP सरकार पर हमला कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी लंबे अरसे से अदानी और अंबानी के बहाने मोदी सरकार को घेरते आए हैं। किसानों का, मजदूरों का, आज पे आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं नाम बताओ? देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। अब कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के तमाम दल खुल्लम खुल्ला गौतम अदानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। हम पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। इस पे अगर 267 के अंतर्गत चर्चा हो जाती आज हम सब चर्चा में भाग लेते। दूध का दूध पानी का पानी होता, सत्य और तथ्य जनता के सामने आते कि एक ही कॉर्पोरेट कंपनी को 2014 से जो मुनाफा हुआ है, फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में आ गए, रिचेस्ट इंडियन बन गए, वो ऑन द बेस ऑफ स्टॉक मैन्युपुलेशन, ऑन द बेस ऑफ स्टॉक ओवर प्राइसिंग, और हमारे केंद्र सरकार ने उनके हवाले क्रिटिकल देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। आज जनता का सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट जो उनकी सेविंग्स रही हैं वो दिन ब दिन खत्म हो रही हैं। और देश के लिए भी ये सही नहीं है कि क्रेडिट स्वीज हो, सिटी बैंक हो, वो हमारे कोई कॉर्पोरेट का जो बॉन्ड्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। गौतम अदानी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। ये अमृत काल में जहरीला घोटाला है और जिससे देश के करोड़ों लोग चिंतित हैं जिन्होंने LIC में, SBI में अपना पैसा लगाया हुआ है। आज उनका पैसा उठाकर मोदी सरकार ने अडानी के हवाले कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि ये वही अडानी है जिसके जहाज से नरेंद्र मोदी जी प्रचार करते हैं। ये वही अडानी है जो भारतीय जनता पार्टी को झोली भर भर के चंदा देता है। ये वही अडानी है जिसके लिए बिजली दे दिया, पानी दे दिया, तेल दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सड़क दे दी, सब कुछ दे दिया। तो वहीं RJD नेता का दावा है कि मोदी सरकार तो गौतम अदानी के आगे दंडवत है। अब ये व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप लगता है, ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर के ये कहता है कि हमला भारत पे है। मुझे नहीं पता कब एक उद्योगपति भारतवर्ष का पर्याय हो जाता है। अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के आरोपों की माने तो अदानी ग्रुप में निवेश की वजह से सरकारी बैंक का सारा कैश लुट गया, गांव में बैंक का खजाना खाली हो चुका है। ऐसा तो हो गई, आप पता कीजिए, ये तो दिल्ली या नहीं मालूम अभी पड़ता है। जो बाहर जिले हैं, हमारे इटावा में एक साहब अपने बैंक से पैसा स्टेट बैंक से गए, 5 लाख रुपया उन्हें निकालना था, उनके सब पैसे ही नहीं है। दोपहर 2 बजे आना, फिर बोले 4 बजे आना, फिर बैंक बंद हो गई। ये स्थिति हो गई, मैनेजर्स क्या करें? सब पैसा निकालने के लिए लाइन में लगने वाले, 2-4 दिन बाद देखिए आप बाहर निकल के देखो, यहाँ से गाजियाबाद की तरफ चाहिए। इतना दहशत लोगों के मन में है। विपक्ष का आरोप है कि LIC से लेकर SBI तक आम लोगों की गाढ़ी कमाई मोदी सरकार ने लुटवा दी। तो क्या जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है हालात वैसे हैं? क्या ग्रामीण इलाकों में सरकारी बैंकों में कैश खत्म हो चुका है? इसमें कितनी राजनीति है और कितनी हकीकत, आपको बताते हैं। सवाल है कि LIC की बैलेंस शीट क्या कहती है? अदानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट के बाद LIC की तरफ से सफाई आई। तारीख
31 दिसंबर 2022 के अनुसार इक्विटी और कर्ज के रूप में LIC ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में कुल शेयर पूंजी 35,917 करोड़ रुपए है। पिछले कुछ सालों में खरीदी गई इक्विटी का कुल क्रय मूल्य 30,127 करोड़ रुपए है। 27 जनवरी को बाजार बंद होने तक निवेश का बाजार मूल्य 56,142 करोड़ रुपए था। LIC की कुल संपत्ति 61.66 लाख करोड़ से ज्यादा है और अदानी ग्रुप में निवेश का 1% से भी कम है। अगर दूसरे बैंकों के निवेश रिपोर्ट देखें तो PNB का करीब 7,000 करोड़ और SBI ने अदानी को करीब 21,000 करोड़ का लोन दे रखा है। अदानी ग्रुप में निवेश और कर्ज को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट यही बताती है, निवेश को लेकर निवेशकों को खतरा तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि अदानी ग्रुप के ऊपर जितना कर्ज आज की तारीख में है उससे कहीं ज्यादा संपत्ति अदानी ग्रुप के पास मौजूद है। आज तक ब्यूरो। तो गौतम अदानी पर आपने देखा किस तरह से सियासी संग्राम छिड़ गया है, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे महज 9 दिनों में, जी हाँ सिर्फ 9 दिनों में पूरा साम्राज्य गौतम अडानी का हिल गया है। आसमान छू रहे थे उनके शेयर्स। जब अमीरों की बात पूरे विश्व की थी तो उसमें दूसरे नंबर पर वो थे, अब टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं। आसमान छू रहे थे उनके शेयर्स, लेकिन अब वो एक के बाद एक लुढ़कते चले जा रहे हैं। आखिर 24 जनवरी की वो कहानी की शुरुआत जिस दिन हिंडनबर्ग अमेरिका की रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट आई और उसके बाद से ये बवाल छिड़ गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 9 दिन में अदानी साम्राज्य में भूचाल सा आ गया है। भारत से लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त अदानी ग्रुप की चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे 7 बड़ी वजह है। पहली वजह, पिछले 9 दिनों में अदानी ग्रुप को 8 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। दूसरी वजह, गौतम अदानी की नेटवर्थ 24 अरब डॉलर गिरकर 64.7 अरब डॉलर रह गई है। तीसरी वजह, दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अदानी 2 नंबर से 16 नंबर पर आ गए। चौथी वजह, RBI ने सभी बैंकों से अदानी इंटरप्राइजेस को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। पांचवी वजह, अदानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में गिरावट। छठी वजह, अदानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड FPO को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही। सातवीं वजह, अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से गौतम अदानी को लगा झटका। जब एक तरफ देश में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश हो रहा था तो दूसरी तरफ दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में उथल पुथल मची। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से गौतम अदानी को जो झटका लगा है उससे फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और हालात ये है कि उनकी संपत्ति में लगातार गिरावट हो रही है। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 2 पायदान पर चढ़ चुके गौतम अदानी आज फोर्ब्स के रियल टाइम आंकड़ों के अनुसार 16वें पायदान पर आ गए। गौतम अदानी के साम्राज्य में ये सुनामी महज 9 दिनों में आई है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अदानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अदानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। अदानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया और कहा कि कंपनी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, लेकिन जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम और कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेगी। मुझे कोई इसमें धांधलीबाजी नहीं नजर आती, इसलिए नजर आती कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं उसको हर 3 महीने बाद स्टॉक एक्सचेंज में अपने अकाउंट्स जमा करने पड़ते हैं, हर 3 महीने में अपने रिजल्ट, प्लस उसका ऑडिट होता है, प्लस इन्होंने विदेशों से भी लोन लिया हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक और विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने लेंडर्स हैं जिन्होंने लोन दिया हुआ है, वो भी कंपनी की एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। वो लोग पूरा ड्यू डिलीजेंस करके तब लोन देते हैं। तो अगर धांधलेबाजी होती या फ्रॉड होता तो इनको इतनी बड़ी मात्रा में लोन नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज में धांधलेबाजी नहीं चल सकती, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप धांधलेबाजी करेंगे तो हर 3 महीने बाद जो आप अकाउंट जमा करेंगे वो अकाउंट्स अगर गलत होंगे तो वो तुरंत नोटिस में आ जाएंगे और आप वहीं पर पकड़े जाएंगे। धांधलेबाजी नहीं है, यह है कि वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। FPO से टाइमिंग उन्होंने परफेक्ट चुना, FPO से एक दिन पहले।
इस वजह से हम देख रहे हैं कि वो सेंटिमेंट खराब हो गया है। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में भी हंगामा होता है। उधर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों से अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए कर्ज की जानकारी मांगता है। ये सच है कि अडानी ग्रुप के पास 80,000 करोड़ का बैंक का एक्सपोजर है। लोन्स की हम बात करें, टोटल जो कंपनी की डेट है मतलब बैंकों को लेके और बाहर की सब मिला के करीब 2,10,000 करोड़ के आसपास की है। पर इतने बड़े ग्रुप के पास जो कि पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स एयरपोर्ट्स जो इतने विस्तृत रूप से बिजनेस करता है, उसके लिए इतना उधार लेना कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर हम दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और बहुत बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट की बात कर रहे हैं तो कोई अजीब बात नहीं है। इसके पहले बुधवार देर रात अदानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही। बुधवार को अदानी इंटरप्राइजेज के शेयर 26.70% गिरकर 2,179.75 पर बंद हुआ था। इस गिरावट को ही एफपीओ वापस लेने की वजह माना जा रहा है, लेकिन गौतम अदानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया। इसमें इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। अदानी ने कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। फॉर मी द इंटरेस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर इज पैरामाउंट एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। हेंस टू इंसुलेट द इन्वेस्टर्स from potential losses we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. अब आपको बताने कि FPO क्या होता है। FPO यानी follow on public offer, ये कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका है। जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है वो निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है। ये शेयर बाजार में मौजूद शेयरों से अलग होते हैं। ज्यादातर ये शेयर प्रमोटर्स जारी करते हैं। एफपीओ का इस्तेमाल कंपनी के इक्विटी बेस में बदलाव करने के लिए होता है। आज देख रहे हैं कि अदानी जी के शेयरों में काफी मेन ऊपर का सर्किट लगा, फिर नीचे के सर्किट लगे, फिर अभी स्टेबल हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रहा है। अभी लोगों को दिखने लगा है कि ऑलमोस्ट ऊपर से करीब 50% नीचे उनके शेयरों के भाव हो गए हैं और अब अट्रैक्टिव लगने लगा लोगों को, इन्वेस्टर्स बाइंग अभी आएगी, हो सकता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी इस लेवल पे आ जावे। तो अभी लगता है कि आज या कल में उनके शेयरों के भाव स्थिर हो जाएंगे। लेकिन सच यही है कि 2023 लगता है गौतम अदानी के लिए ठीक साबित नहीं हो रहा। गौतम अदानी ने जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को पछाड़ दिया था। पिछले साल फरवरी में गौतम अदानी ने रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। अदानी इसके साथ भारत के और एशिया के सबसे रईस बन गए थे। अप्रैल 2022 में अदानी की नेटवर्थ पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई, लेकिन विवादों के बीच मुकेश अंबानी अदानी से एक बार फिर आगे चले गए हैं। अंबानी मौजूदा समय दुनिया में 10वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति और गौतम अदानी 16वें नंबर पर हैं। अगर पिछले 6 महीने साल भर का आप स्टॉक एक्सचेंज का मूवमेंट देखें तो अडानी पे जो सवाल लगे हैं वो सबसे अहम सवाल हैं, सबसे मुख्य, जिस स्टॉक मार्केट में भी बहुत एक उहापोह की, एक बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है। मेरा मानना है कि इस कंपनी में जो उतार चढ़ाव हुए हैं, ऑब्वियसली सब लोग जाहिर सी बात है कि इसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुख्य भूमिका है। ये आइए आपको गौतम अदानी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। गौतम अदानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के एक सामान्य परिवार में हुआ था। गौतम अदानी के पिता शांतिलाल और मां का नाम शांताबेन था। उनके पिता कपड़ों का छोटा मोटा व्यापार करते थे। कहा जाता है कि गौतम अपने माता पिता और भाइयों के साथ एक छोटे से चौल में रहते थे। गौतम अदानी के 7 भाई बहन है। गौतम 16 साल की उम्र में मुंबई आ गए।
यहाँ उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक काम किया और देखते ही देखते गौतम अदानी दुनिया में अरबपतियों की लिस्ट में 2 नंबर तक पहुंच गए। गौतम अदानी ने प्रीति अदानी से शादी की है। प्रीति पेशे से डेंटिस्ट है। गौतम और प्रीति अदानी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण अदानी और छोटे बेटे का नाम जीत अदानी है। आज तक ब्यूरो। गौतम अडानी के संकट काल की पूरी कहानी हमने आपको दिखा दी, तो अब लिए चलते हैं आपको प्रयागराज, जहां पहुंचे हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री और मच गया है नया बवाल। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पर्ची वाले चमत्कारी बाबा प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। बाबा ने गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन डुबकी लगाने के बाद जैसे ही मीडिया से मुखातिब हुए अपने असली एजेंडे पर आ गए। बागेश्वर बाबा बोले, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है भारत। सुनिए बागेश्वर बाबा के विजन और मिशन की संपूर्ण व्याख्या। रामचरितमानस को लेकर यूपी में जलाई गई, आपने देखा विरोध हुआ, कुछ मंत्री हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है? सठे साठ्यम समाचरित, ऐसे लोग कैंसर का रोग हैं और ये इनको भारत में रहने का अधिकार है। सवाल आपसे, कला है या शक्ति है? अरे यार, सिद्धि। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बागेश्वर बाबा अपने चमत्कार वाले दावे के चलते सुर्खियों में आ गए थे। दिव्य दरबार में बाबा अपनी पर्ची से चमत्कार दिखाते हैं, दावा यही है कि सिद्धि, लेकिन जादूगर और माइंड रीडर इसे ट्रिक करार देते हैं। वैसे बागेश्वर बाबा उनकी सिद्धि को ट्रिक बताने वालों को खुला चैलेंज देकर अपने दरबार आने का न्योता दे चुके हैं। हम सिर्फ आपको जो हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाग गए या अंधविश्वास है या इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं और हम तुम्हारे नागपुर फिर आएंगे और तुम अपना पारा गरम मत करना, हमारी तो आदत है। मतलब ये कि बागेश्वर बाबा पर आरोप अंधविश्वास को बढ़ावा देने का लगा था, लेकिन अब तो बाबा खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज से समर श्रीवास्तव, आज तक। और अब बात रामचरितमानस पर, उत्तर प्रदेश में मची सियासत पर। जी हाँ, बवाल तो शुरू कर दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया और एक तरह से पूरे मामले को सुलगा दिया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी, प्रवक्ता भी खुलकर रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ खड़े दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये सब विकास में रोड़ा पैदा करने के लिए विवाद खड़ा किया जा रहा है। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की लगाई चिंगारी अब पूरे यूपी में विरोध बनकर भले ही धधक रही हो, लेकिन रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन अब समाजवादी पार्टी ने भी कर दिया है। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह राजन ने तुलसीदास की उन चौपाइयों को हटाने की मांग की है जिनको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा है। देखिए, जहां तक सवाल रामचरितमानस का है तो समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई, दो चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है, महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े दलित आदिवासी आहत होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।